पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार घूम रहे, अगर आपको नौकरी मिल जाती आज आप माइक लेके किसी के पीछे घूमते? मैं तब भी यही करता कह रहा हूँ ना, कोई 10 लाख अच्छा, अगर मेरा पैशन है तो हर कोई करता। नहीं वो मेरा पैशन है, समझे ना। नहीं ये क्यों काम ही ना भाई साहब, इधर आओ। दिल्ली में रहते हो? जी यहीं रहता हूँ। दिल्ली में विकास डेवलपमेंट ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं नहीं हो तो रहा है जी। मतलब क्या समझते हैं कि अब दिल्ली में जैसे चुनाव है, 5 साल बाद हमेशा चुनाव आते हैं, हमेशा बड़े बड़े दावे नेताओं के, क्या पॉलिटिकल पार्टीज उन दावों पर खरी उतर पा रही? देखो पार्टी तो खरी तो उतरती है 100%, तो कोई भी वादे पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि सारे वादे इस बार पूरे हो, अगली बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? तो चुनाव तो धीरे धीरे मुद्दे भी पूरे होते चल जाएंगे, चुनाव का टाइम बढ़ता चल जाएगा धीरे धीरे। अच्छा। दिल्ली में क्या लगता है जनता के लिए कौन सी पार्टी ज़्यादा बेटर काम कर पाई? अभी तक तो हम तो ये जानते हैं कांग्रेस का टाइम था, कांग्रेस ने भी अच्छे काम किए, केजरीवाल ने किया, केजरीवाल ने थोड़ा सा और सख्ताई के साथ काम किया, जैसे MCD में भी सुधार हुए हैं, जैसे स्कूलों में सुधार हुए हैं केजरीवाल के टाइम में। नहीं MCD में क्या सुधार हुआ? MCD में मतलब MCD में किस चीज़ को लेकर के, सफाई को लेकर के, तो सफाई तो खूब हो रही है, बहुत सारी ऐप बनवाई हुई हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं, अगर पढ़े लिखे तो कंप्लेन करो, अन नहीं है तो मत करो। सही बात। बाकी रही है तो एक दूसरे टांग खींचने आया है तो खींचते रहेगी पब्लिक। अच्छा अभी चुनाव है एक बार फिर से कुछ दिनों में, क्या लगता है दिल्ली में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा यहाँ पे? जी अगर बात कहें लोकसभा के चुनाव की जी, तो BJP का पलड़ा भारी है। अच्छा और काम आप कह रहे हैं केजरीवाल? तो केजरीवाल मुख्यमंत्री के लिए आएगा तो केजरीवाल का काम ज़्यादा मजबूत होगा। अच्छा, क्या समझते हैं कि एक सांसद के तौर पर क्या एक सांसद की कुछ जिम्मेदारियाँ या जवाबदेही जनता के प्रति होती है? सांसद के लिए तो इतना है, सांसद हमारे यहाँ थे, बस वोट ले लिया जीत गए? नहीं नहीं सांसद थे हमारे यहाँ, आज तक हमने उनकी शक्ल भी नहीं जानी कि वे वो सांसद है, नाम सुनते थे हंसराज हंस हमारे सांसद है, लेकिन हमने सांसद को इस एरिया में अब तक तो नहीं देखा, आगे पता नहीं वो बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे, हम तो क्या कह सकते हैं इसमें, लेकिन वो आए तो है नहीं कभी भी। क्या नाम, क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि और लोगों से भी बात करेंगे, वैसे यहीं पर रहते हैं, इनसे मिलो भाई। आप बताइए दिल्ली में रहते हैं? हाँ दिल्ली में रहता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है कौशल। कौशल जी दिल्ली में क्या लगता है डेवलपमेंट विकास वगैरह हो रहा है नहीं हो रहा, क्या समझते हैं? समस्या क्या भैया, देखो इस ये रोड पर पटरी भी हम यहाँ पर चाय बेचते हैं, हमारी मम्मी जी वहाँ चाय बेचती हैं, हमारी मम्मी भी एक्सपायर हो गए, पापा भी एक्सपायर हो गए, कम से कम उन्हें 60-65 साल से वो चाय की दुकान लगा रहे हैं, आज इतनी परेशानी हो रही है, दुकानें सब तो सफा करवा दी, तोड़ ताड़ दी हैं, आज दिन कमेटी आती है, MCD आती है, हम हटाना पड़ता है, हम यहाँ कई बर्फ तोड़ जाते हैं, बकायद हम चलान भी भरते हैं, सब कुछ करते हैं, चलान है, फ़ोटो खींची हुई है हमारे माँ बाप के, अभी हमारे माँ बाप को डेढ़ साल हुआ है, दोनों एक्सपायर हो गए 1.5 साल में, अब हम चाय बर्फ बेचते हैं, हमारी चाय की दुकान तो हम लगा नहीं सकते, एक ही काम कर सकते हैं, हमें बस वे जो भी हम कर रहे हैं अपने माँ बाप के जाते पर अब तो नहीं कर पा रहे। रेडी पटरी की एक समस्या हाँ जी समझ रहे जो वो जूझ रहे हैं ना। हाँ दूसरी बात ये रही कि अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, सुविधाओं की बात की जाए, तो दिल्ली में क्या सुविधाएं एक आम आदमी को मिल पा रही हैं? हाँ आम आदमी को मिल रही है, केजरीवाल भी शुरुआत करवा रहा है, कर रहा है, बिजली पानी की अच्छी सेवा कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हाँ और बताइए क्या? अगर कंपैरिजन किया जाए तो मतलब अगर 10 में से देखें तो कितना नंबर देंगे सरकार? देखो हम तो क्या बताएं ये भाई, बात करते हैं लोकसभा चुनाव, क्या लगता है कि कौन प्रधानमंत्री होने चाहिए देश का? देश का तो वो मोदी होना चाहिए प्रधानमंत्री। कैसे? क्यों वो उनके जो काम कर रहे हैं यूपी में बहुत गुंडागर्दी वगैरह सब खत्म, नहीं बता रहे हैं दिल्ली में क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम का क्या करना, हमने बेरोजगारी फैलाई मोदी ने करा क्या है बताओ, BJP ने करा क्या है? दिल्ली में केजरीवाल चाहते हम, केजरीवाल हाँ जी। इस बार देखिए चुनाव है और चुनाव के जस्ट पहले पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर आपको नौकरी मिल जाती आज आप माइक लेके किसी के पीछे घूमते? मैं तब भी यही करता कह रहा हूँ ना, कोई 10 लाख अच्छा, अगर मेरा पैशन है तो हर कोई करता। नहीं वो मेरा पैशन है, समझे ना। नहीं ये क्यों काम ही ना भाई साहब, इधर आओ। कह रहा हूँ ना मैं, बता रहा हूँ ना भाई साहब, मोदी आने के बाद बेरोजगारी फैली है, बीमारियाँ फैली है, बिल्कुल बिल्कुल फैली है। और बात बता तो दे, जो मेन मुद्दा था बता दिया। देखिए आधी बात बता के जाओ ना भाई साहब, पूरी बताओ ना।